नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमएचडार्केट कोचिंग क्लासेस बीकापुर अयोध्या पर। दोस्तों आज हम यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर आए हैं। आईपीसी का व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आज मैं उस पर चर्चा करूँगा। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको अच्छे से पूरा कंटेंट समझ में आए। दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार कहते हैं किसे। व्यक्तिगत मतलब स्वतः का। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से लेकर 106 तक का वर्णन किया गया था। अगर यहाँ पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के अंतर्गत देखा जाए तो किस कंडीशन पे हमको छूट मिलेगी और किस कंडीशन पे छूट नहीं मिलेगी, इसके लिए धारा 96 से लेकर 106 के बीच में है। तो सबसे पहले हम इसको परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा इसकी क्या है, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार। व्यक्ति को अपने शरीर व संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार है, अर्थात व्यक्ति को चाहे हम हुए चाहे आप हुए चाहे जो हुआ, अपने व्यक्ति जो है अपने शरीर और संपत्ति की सुरक्षा करने का अधिकार उसको है, उसको कोई उससे छीन नहीं सकता है। यदि कोई शरीर व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो हम उसके विरुद्ध बल प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात जैसे हमको हमारे खिलाफ जबरदस्ती कोई काम करता है तो उसके खिलाफ हम बल प्रयोग कर सकते हैं, कुछ कंडीशनों को देखते हुए। और कुछ कंडीशनें क्या हैं अभी मैं आगे चर्चा करूंगा। देखा जाए तो व्यक्ति को अपने शरीर व संपत्ति की सुरक्षा करने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति आपके शरीर व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो हमें उसके विरुद्ध बल प्रयोग करने का अधिकार है। यदि हमारे बल प्रयोग से हमलावर को नुकसान अर्थात नुकसान अगर देखा जाए अथवा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है अर्थात मृत्यु हो जाती है तो हम भी अपराधी नहीं होंगे, ऐसे अपराधिक दायित्व से मुक्ति हमको मिलेगी, इससे व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार कहते हैं। अर्थात अपने शब्दों में अगर हमें देखा जाए, अगर कोई हमारे ऊपर व्यक्तिगत तौर पर या हमारे संपत्ति को हानि पहुंचाना चाहता है और उसके खिलाफ अगर हम बल प्रयोग करते हैं और हमारे बल प्रयोग करने से अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा हानि पहुंच जाती है, बहुत ज़्यादा चोट पहुंच जाती है, तो हमने कोई अपराध नहीं किया। उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन है, किस कंडीशन पर हमको ये माना जाएगा कि हम अपराधी नहीं है और किस कंडीशन पर हमको ये मान लिया जाएगा हम अपराधी हैं। तो पहला कंडीशन है भारतीय दंड संहिता की धाराओं में निम्नलिखित परिस्थितियों के संबंध में आपराधिक दायित्व से मुक्ति मिलेगी, यानी कि इन कंडीशनों पर अगर देखा जाए तो आप आपराधिक दायित्व से मुक्ति आपको मिलेगी, अर्थात पागलपन की स्थिति में, अर्थात जिस समय आपने कोई अपराध किया है उस दौरान आपका मानसिक संतुलन अगर सही नहीं है तब की कंडीशन पर आपको अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा। और सहमति से बनाए गए यौन संबंध की स्थिति में भी अगर सहमति से यौन संबंध बनाया गया तब भी आपको अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा। और 7 वर्ष से कम आयु का अगर कोई बच्चा है, अगर वो किसी की हत्या कर देता है तब की कंडीशन पर आपको क्या है, आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, अर्थात आपको यहाँ पर आपने कोई जुर्म नहीं किया, अर्थात चूंकि बच्चा छोटा था और उसको ये समझ नहीं थी इसका परिणाम क्या होगा, इस काम से यहाँ पर बच्चे को भी 7 साल से कम आयु के बच्चे को भी अगर वो किसी तरह का अपराध करता है अर्थात किसी को मृत्यु देता है या कुछ प्रकार किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको कोई जुर्म नहीं किया, अर्थात उसको आईपीसी की धारा के अंतर्गत कोई जुर्म नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब चलिए दोस्तों चलते हैं धाराओं के बारे में जानकारी ले लेते हैं। धाराएं के बारे में जैसे हमने बताया था धारा 96 से 106 के बीच में आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। हमारा धारा 96 के अंतर्गत क्या है, शरीर और संपत्ति की सुरक्षा के लिए किए गए अपराध को अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, अर्थात अगर अपने शरीर की सुरक्षा के लिए जैसे आपके ऊपर किसी ने हमला किया है और हमले से बचाव करने के लिए आपने उसके ऊपर हमला कर दिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब भी कंडीशन पर आपने कोई अपराध नहीं किया, क्यों, चूंकि अपने बचाव के लिए आपने ऐसा किया, इस कारण से धारा 96 के अनुसार आपको कोई दंड नहीं मिलेगा। अब धारा 97 आपका क्या है, अपने शरीर या किसी अन्य के शरीर अपनी संपत्ति या किसी अन्य के संपत्ति पर यदि हमला हो जाता है, जैसे आपकी संपत्ति पर हमला हुआ तब भी आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के अंतर्गत हैं। अगर मान लीजिए आपके पड़ोसी के संपत्ति पर हमला हुआ तो उसकी सहायता के लिए अगर आप वहाँ पर गए तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत, मान लीजिए हमले की आशंका की कंडीशन पर है तो आप मान लीजिए विरोधी शत्रु पर आप मान लीजिए हमला कर देते हैं, हमले के
जब स्वीकृत हो जाती है तब कंडीशन पर भी आपने कोई अपराध नहीं किया अर्थात हमको प्राइवेट सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत हमको कोई दंड नहीं मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पर कंडीशन है, ऐसा नहीं कि आपको एकदम से छूट मिल गई है। यहाँ पे कंडीशन आपका यह है कि वह हमला बदले की भावना से ना हो, अर्थात वो हमला इस तरीके से हो बदले की भावना से ना किया गया हो, सिर्फ सिर्फ आपका हमला इस तरह केस किया गया हो कि अपने शरीर और संपत्ति की रक्षा करने के लिए किया गया हो। अगर बदले की भावना से किया गया है या हमले की पहल पहले आपने किया है और विरोधी पार्टी ने हमले की पहल नहीं किया है तब भी कंडीशन पर आपको अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने हमले की पहल पहले नहीं किया है और बाद में किया है, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए आपने ऐसा किया है, तो धारा 97 के अनुसार आपको कोई अपराधी घोषित नहीं कर सकता। चलिए चलते हैं धारा 98। हम लोग देखेंगे धारा 98 में क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट धारा पर। चलते हैं नेक्स्ट धारा है हमारा धारा 98। यदि कोई पागल मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, यदि कोई पागल व्यक्ति है, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति है अथवा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति है अथवा अवयस्क व्यक्ति है, अवयस्क मतलब अभी उसकी एज 18 साल नहीं है अर्थात वयस्क नहीं हुआ है, और भ्रमित होकर हम पर हमला करता है। भ्रमित होकर कहने मतलब हमारे ऊपर भ्रमित होकर, जैसे हम चोर ना हो लेकिन हमको चोर समझकर मेरे पर हमला, मेरे पर हमला करता है, तो हमें हमलावर के विरुद्ध आत्मरक्षा का अधिकार, मान लीजिए किसी धारदार हथियार से हमारे पर हमला करता है तो उसके विरुद्ध हमें आत्मरक्षा का अधिकार, अपनी रक्षा करने के लिए हम उसके खिलाफ अपना रक्षा कर सकते हैं। यदि हम ऐसे हमलावर की हत्या भी कर देते हैं तो हमें आपराधिक दायित्व से मुक्ति रहेगी और दोषी हमको नहीं ठहराया जाएगा। हमको इस कंडीशन में, जैसे मान लीजिए कोई पागल व्यक्ति है और आपके ऊपर हमला करता हो, आप अपनी आत्मरक्षा में उसको ढकेल देते हैं, इसकी वजह से उसको मृत्यु हो गई, तब की कंडीशन में आपको आपराधिक दायित्व से मुक्ति रहेगी। अर्थात मान लीजिए अपनी आत्मरक्षा के चक्कर में आपने उसके ऊपर वार कर दिया, अगर आपके वार से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो आप आपराधिक दायित्व से मुक्त रहेंगे। लेकिन इस तरह का कंडीशन आपका बिहार राज्य में हुआ था, इस तरह की कंडीशन, इस तरह से रोज बनाम और बाद में दिया गया था आलिंगन वध से संबंधित है। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, आप अपनी पत्नी के साथ सहवास कर रहे हैं और सहवास के दौरान मान लीजिए आलिंगन करते वक्त आप गले मिल रहे हैं, और गले मिलते समय बच्चे को लगता है, मान लीजिए बच्चे को लगता है कि हमारे पिताजी हमारी मम्मी का गला दबा रहे हैं, इस कंडीशन में अगर वो बच्चा धारदार हथियार से अपने पिता के ऊपर हमला कर देता है और हमले करने की वजह से पिता की अगर मृत्यु हो जाती है, तब के केस में उसको उसने कोई अपराध नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो भ्रमवश था, भ्रमवश उसने अपने पिता की हत्या की, इस कारण से वहाँ पर कोई उसको सजा नहीं मिली। इस कारण से धारा 98 के अंतर्गत अगर इस तरह की कंडीशन है, अगर आप भ्रमवश किसी की हत्या कर देते हैं अर्थात जैसे मान लीजिए वह व्यक्ति पागल है, आपके ऊपर हमला कर दिया, आप अपनी आत्मरक्षा में मान लीजिए उसको ढकेल दिए, ढकेलने की जरूरत उसको मृत्यु हो जाती है, तब के केसेज में आपने आत्मरक्षा के थ्रू जो भी किया वो हुआ, इस कारण से आप अपराधिक दायित्व से मुक्त रहेंगे। इस कारण धारा 98 आपका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट धारा पर, धारा 99 हम लोग पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट धारा पर। हम नेक्स्ट धारा है हमारी धारा 99। धारा 99 में, इस धारा में शरीर व संपत्ति की रक्षा का अधिकार के कंडीशन पर कुछ अपवाद भी हमको दिया गया है। किन कंडीशनों पर अपने शरीर व संपत्ति की रक्षा आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब हमने धारा 98 पढ़ लिया कि अपने शरीर व संपत्ति की रक्षा करते हो तो अगर किसी की हम हत्या भी कर देते हैं तब वहाँ पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर ये ना समझिएगा कि हमको अब छूट मिल गई और हम लोग चाहे जिस तरह का अपराध करेंगे हमको दंड का प्रावधान नहीं होगा। कुछ कंडीशन ऐसे भी हैं जहाँ पर आपको अगर आप दंड कहने मतलब अगर आप अपराध करते हैं तो आपको दंड का प्रावधान यहाँ पर है। यदि लोक सेवक असद्भावना पूर्ण कार्य कर रहा है, असद्भाव लोक सेवक का मतलब होता है सरकारी सर्वेंट, कहने मतलब सरकारी नौकरी वाले, अर्थात कोई मान लीजिए अधिकारी असद्भावना पूर्वक कार्य कर रहा हो या जानबूझकर आपके शरीर और संपत्ति की को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहा हो, मान लीजिए कोई पुलिस वाला है आपके घर को आग लगाने का काम कर रहा हो, यानी आग लगा दे या आपके घर को तोड़ फोड़ दे, इस तरह की कंडीशन पर असद्भावना पूर्वक अगर कार्य करता है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप लोक सेवक के विरुद्ध दुरुपयोग करने का अधिकार, अर्थात आप पुलिस के खिलाफ आप अपना कार्य कर सकते हैं।
यदि घटना स्तर पर आपको अधिकारियों की सहायता उपलब्ध है, मान लीजिए घटना स्तर पर आपको अधिकारियों के अर्थात पुलिस बल आपके पास है, तो वहाँ पर आपको प्राइवेट सुरक्षा का अधिकार वहाँ पर नहीं मिलेगा, अर्थात आप रक्षा में आप कुछ वहाँ पर नहीं कर सकते जब आपको अधिकारियों की सहायता प्राप्त हो। और एक कंडीशन है, आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग करने पर हमें आत्मरक्षा का उपचार नहीं मिलेगा। आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग करने का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई लाठी डंडे से हमारे ऊपर वार कर रहा है, हम उस वहाँ पर उसके खिलाफ बंदूक आदि के माध्यम से कोई हमला नहीं कर सकते हैं, ये हमको अधिकार नहीं मिलेगा क्योंकि आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग करने का हमको कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, चूँकि जिससे हम इसका नेक्स्ट पार्ट और भी, चूँकि धारा 96 से लेकर धारा 106 तक है, अभी तक हमने 99 धारा ही बताया कि जो बची हुई धाराएं हैं उसको अगर जानना है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।